안은요 봄을 넘어서 이제 초여름의 분위기마저 느껴질 줄 압니다. योगा या मेडिटेशन जिसे अगर कोई पूरी चाहत के साथ में ध्यान लगाकर करे तो उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। योगा के अंदर डूब जाने पर आत्मा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन यह योगा या मेडिटेशन कभी कभी किस हद तक जा सकती है ये आपको आज की इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। नीना नाम की एक लड़की जो कि एक अंधेरे कमरे में बंद है और ये बहुत डरी हुई थी, और आखिर वो ऐसी सिचुएशन में कैसे फंसी ये हम आगे देखेंगे। फिर हम अगले सीन में नीना को एक योगा क्लास में ध्यान लगाते समय देखते हैं जो कि सो गई थी, और तब उसे ये भयानक सपना आया था। नीना फिर अपने काम पर जाती है जो कि एक एडवर्टाइजमेंट चैनल पर एंकर का काम था, लेकिन उस दिन उसका काम ठीक से नहीं हो पाता है क्योंकि हान ब्यूल नाम की एक ब्यूटीफुल प्रेग्नेंट गर्ल बार बार उसकी लाइन काट रही थी। स्टूडियो में बाकी सभी ही हैन ब्यूल को ही अच्छा बोलते थे और उसकी तारीफ करते थे, जिसे हर कोई सुंदर कहता था, और वहीं नीना बस एक सिंपल सी लड़की थी। रात को नीना अपने ऑफिस कलीग के साथ में डिनर पर जाती है और वहां पर भी सभी यही बातें कर रहे थे कि अगर कोई सुंदर हो तो उसे किसी टैलेंट या दिमाग की जरूरत नहीं होती है। इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी अगर वो इंसान खूबसूरत नहीं हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। और तभी उनके पास में किम स्वेन आती है जो कि एक बहुत ही बड़ी मॉडल थी और वो उनकी कंपनी में काम करती थी, लेकिन नीना उसकी खूबसूरती देखकर जल रही थी। नीना फिर घर आती है और उसके साथ में उसका बॉयफ्रेंड डोंगुन रहा करता था और वो छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री बनाता था। नीना उस पर बिना बात के गुस्सा हो रही थी और डोंग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन नीना चाहती थी कि वो कोई ढंग का काम करे। वो ऑफिस का सारा गुस्सा डोंग पर निकालती है और डोंग भी उसे परेशान नहीं करता है और कुछ समय के लिए घर के बाहर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में नीना को पता चलता है कि उसे एक एडवर्टाइजमेंट से निकाल दिया है और वो जाकर डायरेक्टर पार्क से बात पूछती है। उनके हिसाब से हान ब्यूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उसी को अकेले एंकर बनाया गया था। उसकी खूबसूरती की वजह से उनके प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा बिक रहे थे। नीना को ऐसा लग रहा था कि ये सभी सियोन कर रही है और फौरन उससे बात करने जाती है। सियोन के मुताबिक उसने उसे काम से नहीं निकाला है, बल्कि वो खूबसूरत नहीं है इसीलिए उसे इस काम से निकाला गया था। वो उससे फिर एक योगा क्लास के बारे में बताती है और शायद वही क्लास उसे खूबसूरत बनाने में मदद करेगी। खूबसूरत बनने के लालच में नीना उस योगा क्लास की जगह पर जाती है और वो एक बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर योगा सेंटर था जिसे किम चलाती थी। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट नीना को एडमिशन बंद होने के बारे में बताती है। तभी वहाँ पर योगा टीचर हाइना आती है और नीना को पसंद करके उसे एक क्लास में रख लेती है। नीना उसे अपनी सारी परेशानी बताती है और वो योगा के जरिए एक नई इंसान बनना चाहती थी। हाइमा उसे अगले दिन से क्लास पर आने को कहती है और यहाँ पर हमें असल कहानी पता चलती है। नीना और सियोन एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और दोनों पहले बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन सियोन उससे अगली थी तो इसीलिए उसका स्कूल में सभी मजाक बनाया करते थे। नीना भी कहीं इस वजह से बुली न हो इसलिए उसने सियोन को बुरा भला कहकर उससे दोस्ती तोड़ ली थी और आज वही सियोन इतनी खूबसूरत हो गई है। अगले दिन अब नीना योगा सेंटर पर आती है जहाँ पर और भी कई सारी लड़कियाँ थी जिनके नाम थे इनसून, यानसु, बोरा और युकुंग। दोस्तों ये असल में कोरियन नाम है तो शायद आपको इन्हें पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रही होगी। वहाँ पर फिर हाइना आकर सभी को योगा के बारे में सिखाती है। ये एक ऐसा योगा सेंटर था जो कि कहीं भी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था और जो उसके लायक होते थे सिर्फ वही लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते थे। इस योगा सेंटर में फोन और बाहर का कोई भी सामान अलो नहीं थे। योगा सीखने तक उनको वहीं के रूल्स फॉलो करना था और तभी वे लोग योगा पर ध्यान दे पाएंगे। रूल्स भी कुछ अजीब थे, सिर्फ समय पर ही खाना खाना होगा और समय से हटकर खाना खाना मतलब रूल तोड़ना। योगा करने के एक घंटे के बाद ही नहा सकते हैं और योगा के समय कोई भी आईने की तरफ नहीं देखेगा क्योंकि आईना ध्यान को भटकाता है, इसीलिए योगा सेंटर में कोई आईना नहीं था। नीना के अलावा सभी अपना फोन हाइना को दे देते हैं और नीना फोन नहीं लाने का बहाना बनाती है। बाथरूम के टैप से कोई काला लिक्विड निकल रहा था और बोरा को वहां पर किसी की आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन नीना उसी समय उसे वहां से दूसरे रूम में लेकर जाती है। यूनसु के पास में जो आईना था वो भी हाइना अपने पास में रख लेती है। इनसु अपने साथ में उसके पेट एक चूहे को लेकर आई थी, लेकिन वहां पर पेट अलाउड नहीं थे। इनसु के ज़्यादा जोर देने पर नीना अपने पास में उस चूहे को रख लेती है और फिर वे सभी योगा स्टार्ट करती है। हाइना सबको ध्यान लगाने को कह रही थी, लेकिन कुछ देर तक वे ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। वे सभी को अंदर के दुख को महसूस करने को कहती है और कुछ ही समय में वहाँ के सारे कैंडल्स अपने आप बुझ जाती है
और लड़कियां रोने लगती है। सभी ने अपने मन के अंदर के दुख को बाहर लाकर महसूस किया था। जब सभी इस दर्द को समझेंगे तभी वो सब आगे बढ़ पाएंगी। योगा सेंटर की मालकिन उनको योगा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में मिलेगी और किसी ने भी अब तक कान में ही को नहीं देखा था। सभी यहाँ पर योगा में खो चुकी थी और उधर डोंगू को तो पता भी नहीं था कि नीना घर पर नहीं है और वो योगा सेंटर गई है। डोंगू यहाँ पर डायरेक्टर कांग के घर पर आया हुआ था, लेकिन रास्ते में उसे सियोन दिखती है जो कि कांग के घर से ही निकली थी। डोंग भी अपने दोस्त के सामने सियोन की खूबसूरती की तारीफ करता है और जब डोंग कांग के घर पर आता है तो कांग बहुत ही बुरी हालत में मिलता है, जिसने अपनी आंखें जख्मी कर ली थी। यहाँ पर फिर पुलिस स्टेशन में डोंग और उसके दोस्त भी सियोन के बारे में बताते हैं जो कि उस समय कांग के घर से निकल रही थी, लेकिन सीसीटीवी में सियोन नजर नहीं आती है तो पुलिस तो उन पर ही शक कर रही थी। तभी एक पुलिस वाले को कॉफी कप में किसी औरत की लिपस्टिक के निशान मिलते हैं और तब जाकर डोंग और उसके दोस्तों को पुलिस वहां से जाने देती है। नीना का फोन ऑफ था तो डोंग पहले से ही परेशान था। इधर इंसु को योगा सेंटर के दीवार पर लिखी हुई एक आर्ट से ये जानकारी मिलती है कि इंसान की बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं। गहरा योगा में ध्यान लगाकर उन सब 7 चक्रों को खोला जा सकता है। एक बार सभी 7 चक्र खुल जाने पर वो इंसान इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है। दीवार पर लगे सियोन के फोटो से उन सबको इन बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि सभी एक एज तक बूढ़े होते हैं, लेकिन सियोन वैसी की वैसी ही थी। उनमें से कोई एक ही होगा जो कि उन 7 चक्रों को खोल पाएगा और वही कान में ही इसे मिल पाएगी। इधर डोंग को घर पर नीना के साथ सियोन की फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो नीना के लिए चिंता में पड़ जाता है। सियोन भी घर पर योगा कर रही थी और उसकी आंखों से अजीब शक्ति हम महसूस कर पाते हैं। योगा सेंटर पर क्यों को अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन सभी लड़कियों को वो आवाजें महसूस नहीं होती है। फिर ट्रेनिंग के 3 दिन बीत जाते हैं। यहाँ पर फिर हाइना की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हाइना एक एक्ट्रेस थी और शूटिंग में सभी उसी के साथ देते थे। वो थी इतनी खूबसूरत और इसी जलन की वजह से एक दूसरी एक्ट्रेस हाइना को एक दिन थप्पड़ मार देती है और नाखून की वजह से हाइना का फेस कट जाता है और खून निकलने लगता है। एक ही पल में हाइना बदसूरत बन गई थी, लेकिन प्रेजेंट समय में हाइना के फेस पर ऐसा कोई भी निशान नहीं था। आखिर योगा किसी की ब्यूटी को इतना कैसे बदल सकता है, ये भी अभी एक राज था। इधर क्यों को बार बार अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही थी तो रूल तोड़कर एक घंटा होने से पहले ही नहाने चली जाती है। यहाँ पर इंसुन भी अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो रूल तोड़कर किचन में खाना ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन वहां पर उसे खाना मिल नहीं रहा था, जैसे कि हाइना खाना खाती नहीं हो। अब फिर अचानक टेबल पर बहुत सारा खाना आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे इंसुन वो खाना खाने लगती है। इस तरफ नहाते समय बाथरूम की लाइट ऑफ हो जाती है और पानी की जगह एक काला लिक्विड निकलने लगता है और उस लिक्विड की वजह से क्यूंग का शरीर कटने लगता है। बाकी लड़कियों के वहां पर आने पर कोई भी काला लिक्विड वहां पर नहीं था और क्यूंग वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। हाइना सभी लड़कियों को रूम में जाने का बोलकर क्यूंग को अपने रूम में लेकर जाती है, लेकिन सभी लड़कियों के बीच में रूल को लेकर झगड़ा हो रहा था। किसी और के रूल तोड़ने पर उनकी भी ट्रेनिंग पर असर पड़ सकता था, लेकिन इंसु के मुताबिक योंगसु तो खुश थी क्योंकि किसी एक के रूल तोड़ने पर बाकी लोग ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे और किसी एक को ही 7 चक्र खोलने का मौका मिलेगा। ये सुनकर इंसुन और योंगसु के बीच में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन नीना बात को संभाल लेती है। इस तरफ हाइना इंसुन को बताती है कि वो योगा के बाद थक चुकी थी और इसीलिए वो बेहोश हुई थी और जो कुछ भी उसने देखा वो सभी उसका हेलुसिनेशन था, लेकिन हेलुसिनेशन में शरीर पर घाव नहीं पड़ते हैं। अगर क्यूंग को कोई प्रॉब्लम है तो हाइना उसे अभी यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन अगर वो यहाँ से गई तो वो कभी भी योगा से मिलने वाली ब्यूटी हासिल नहीं कर पाएगी। हाइना रूम के बाहर चली जाती है और क्यूंग उसी के रूम में बेड पर सो जाती है। तभी एक सांप क्यूंग के शरीर पर लपेट कर उसके मुंह में घुस जाती है। फिर किसी कारण से क्यूंग चिल्ला भी नहीं पा रही थी और सीन यहीं पर कट होता है। ट्रेनिंग के अब 4 दिन बीत गए थे। क्यूंग ट्रेनिंग पर नहीं थी और इंसुन को बार बार उल्टियां हो रही थी। इस तरफ डोंग को पता चलता है कि नीना और सियोन एक साथ पहले स्कूल में थे। डोंग सियोन से मिलने जाता है और उससे नीना के बारे में पूछता है, लेकिन सियोन उसे कुछ नहीं बताती है और वहां से जा ही रही थी कि तभी एक कार से सियोन का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर डोंग मिस्टर यून नाम के एक आदमी से मिलने आया था। मिस्टर यून पहले तो डोंग पर अटैक करता है, लेकिन फिर कॉन्ग की मौत के बाद सुनकर वो डोंग के सवालों का जवाब देने लगता है। डोंग यहाँ पर बहुत पुरानी फिल्म में हुई मर्डर के बारे में जानने आया था और उस फिल्म में कान मी ही काम कर चुकी थी
और उसी के योगा सेंटर में नीना गई हुई थी। उस फिल्म के आखिरी दिन फिल्म की मेन एक्ट्रेस योनसिल ने स्टेज से कूदकर अपनी जान दे दी थी और बड़े ही भयानक तरीके से उसकी मौत हुई थी। इस घटना में शूटिंग के सभी लोग डर गए थे और कानमी ही भी उसी दिन वहीं पर मौजूद थी। इधर इंसु ने रूल को तोड़कर खाना खाया था और तब से उसे भयानक भयानक सपने आ रहे थे, यहाँ तक कि नींद में कोई उसके गाल पर कट मारकर चला जाता है। योनसु भी यहाँ पर खुद को आईने में बिना देखे नहीं रह पा रही थी। तब बोरा ने उसे एक मिरर का पता बताया था। योनसु उस आईने के पास जाकर खुद की खूबसूरती को देखने लगती है और यहाँ पर वो भी रूल को तोड़ देती है। अचानक योनसु को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन आईने में उसकी परछाई बिल्कुल वैसी खड़ी रहती है। योनसु को ये बात नजर नहीं आती है और फिर से देखने पर वहां पर कुछ नहीं था। अब इस बात से वो भी हैरान हो जाती है। उसे फिर किसी अनजान शक्ति के अपने आसपास होने का एहसास हो रहा था। वो एक दूसरे आईने को देखते ही उसकी तरफ आगे बढ़ती है और तभी उसे अपनी शक्ल बहुत ही ज्यादा बदसूरत नजर आती है। ये देख के वो चिल्लाती है और कोई अनजान शक्ति उसे अंधेरे में खींचकर ले जाती है। ये सब बुरा का प्लान था योनसु को आउट करने का और वो अकेले ही उन 7 चक्रों का लाभ उठाने वाली थी, लेकिन दूसरों को बुरी सलाह देकर भी उसने एक रूल तोड़ा था तो कोई अनजान शक्ति उसे भी अंधेरे में खींच लेती है। इधर नीना के पास में डोंग का कॉल आता है और वो चुपके से उसके साथ कॉल पर बात करने लगती है, लेकिन उसे फोन पर भयानक भयानक आवाजें सुनाई देती है और डर के मारे फोन को फेंक देती है। इंसुन उसके फोन को हाइना को दिखाने जाने वाली थी, लेकिन नीना उसे रोक देती है और दोनों के बीच में झगड़ा होता है। नीना उससे अपना फोन छीन लेती है और इंसुन नीना के रूल तोड़ने के बारे में हाइना को बताने जाती है, लेकिन हाइना उसे नहीं मिलती है। अब पास के किचन से कोई आवाजें आने पर इंसुन देखने जाती है और वो किचन तो ऐसा पड़ा हुआ था जैसे कि सालों से वहां पर कोई नहीं गया था। डाइनिंग टेबल पर इंसुन को अपनी परछाई दिखाई देती है जो कि टेबल पर रखे हुए सड़े गले खाने को खा रही थी। मतलब कि उस दिन उसे वो खाना अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो खाना असल में सड़ चुका था। उसी टेबल पर उसे उसका पेट चूहा मरा हुआ मिलता है जो कि उसने उस दिन अपनी नजर के धोखे में खा लिया था। अचानक उसकी पूरी स्किन पर कोई बीमारी होने लगती है और सारे दरवाजे बंद होने पर भी वो बाहर नहीं जा पाती है। वो तड़पने लगती है और उसकी आंखें भी सड़ने लगती है जिससे कि खून निकल रहा था, और तभी कोई उसके पास आता है जिसका फेस समय नहीं दिखा जाता है। ट्रेनिंग के 6 दिन बीत जाते हैं और सारी लड़कियां गायब हो चुकी थी। नीना के अलावा उसे भी ये बात काफी अजीब लगती है और हाइना उसे कहती है कि बाकी लड़की हार चुकी है और इसीलिए वे सभी घर पर वापस चली गई है। ट्रेनिंग का अब बस एक ही दिन बचा था और नीना को उन 7 चक्रों का लाभ होगा। उसके बाद में कान में ही उससे मिल जाएगी। नीना फिर से योगा करने लगती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है। वो उठकर हाइना के रूम में जाती है जहाँ पर एक सीक्रेट रूम था और उस रूम के अंदर वो चली जाती है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदगी थी और वहाँ पर उसे क्यूंग की लाश बुरी हालत में मिलती है। उस लाश की आंख से वही सांप निकल रहा था और तभी कोई नीना का हाथ पकड़ लेता है। वो डर कर चिल्लाने लगती है और हाइना नीना के सर पर वार करके उसे बेहोश करके वहां से ले जाती है। यहाँ पर हम फिर से हाइना की बैक स्टोरी को देखते हैं। काम मिही के साथ में काम क्या करती थी और वो उसी की तरह सुंदर बनना चाहती थी। तब कान मिही ने उसे योगा का रास्ता दिखाया था जिससे कि उसे अपनी खूबसूरती तो महसूस हुई, लेकिन उसकी आत्मा को काम मिही ने खुद ले लिया था जिससे कि वो हमेशा जवान रहा करती थी। वहीं पर हम हाइना की असल डेड बॉडी को भी देख पाते हैं और जिस हाइना को हम देख पा रहे हैं वो काम मिही है जो कि उसे कंट्रोल कर रही है और वो एक छलावा थी। नीना की आत्मा को भी अब उसके शरीर से हाइना निकालकर काम मिही को देने वाली थी और जैसे जैसे हाइना मंत्र पढ़ रही थी तो नीना तड़प रही थी और सारे कैंडल्स अपना बुझ जाते हैं और नीना का शरीर हवा में उड़ने लगता है। सीन फिर से मूवी की शुरुआत में आता है जहाँ पर नीना अंधेरे रूम में थी और वहीं पर काम मिही भी थी जो कि उसकी सोल को लेने की बातें कर रही थी। तभी वो बदलकर सियोन की डेड बॉडी बन जाती है जिसे देखकर नीना चिल्लाती है और असल जिंदगी में वो जमीन पर नीचे गिर जाती है। उसके शरीर पर सियोन की डेड बॉडी के घाव भी बन जाते हैं। उसने ये जगह खुद चुनी थी और जहाँ से अब वो खुद की मर्जी से बाहर नहीं जा सकती थी। हाइना के जरिए कान में ही ये कहती है कि उसके सोल मिलते ही वो जवान बन पाएगी और उसे एक नई लाइफ मिलेगी जहाँ पर वो सुंदर रहेगी। नीना हाइना के सर पर वार करके वहां से भागने का सोचती है, लेकिन उसे दरवाजा नहीं खुलता है। हाइना उठकर नीना के पीछे आती है और नीना उसे सीक्रेट रूम में चली जाती है जहाँ पर जाकर वो एक जगह पर छुप जाती है। तभी नीना के पास में वही सांप आता है। वो सांप से बचकर निकल रही थी कि तभी बोरा की डेड बॉडी उसे पकड़ लेती है। बोरा को कोई अंधेरे में खींच लेता है और नीना वहां पर बाकी लड़कियों की लाशें को देखती है।
वे सभी मर चुकी थी लेकिन उनकी आत्मा अभी भी तड़प रही थी। नीना हाइना से अपनी जान की भीख मांग रही थी और हाइना उसे बताती है कि काम में ही एक डेविल है और उसने उसकी भी आत्मा छीन ली है। काम में ही हाइना के पास में आती है और हाइना की आंख से खून निकलने लगता है और पूरी तरीके से खून से लथपथ हो जाती है। हाइना का छलावा वहीं पर खत्म होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर नीना वहां से भागने लगती है और जैसे तैसे वो घर के बाहर निकल आती है। सीन यहीं पर कट होता है और हम कुछ समय के बाद में नीना को डोंग के साथ में देखते हैं। नीना की पर्सनैलिटी अब काफी ज्यादा बदल चुकी थी और तभी नीना को सारी मरी हुई लड़कियां बोरा, इंसून, क्यों, यूनसी नजर आती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और तब जाकर उसे एहसास होता है कि वो भी जिंदा नहीं है बल्कि वो भी मर चुकी है। दोस्तों इस मूव में काम मिही ने योगा के जरिए अपने शरीर के सातों चक्रों को खोल लिया था जिससे कि उसे सब कुछ हासिल करने की क्षमता प्राप्त हुई थी। जवान लड़कियों की आत्मा को वो खुद के अंदर हासिल करके हमेशा जवान रहती है। वो जिस किसी की भी आत्मा छीनती थी वो असल जिंदगी में भली खूबसूरत दिखती थी लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी होती है और वो बस एक झूठ होता है, जैसे कि बस एक छलावा। वो एक शरीर होता है और उसके अंदर कोई आत्मा नहीं होती है और वे सभी मर चुके होते हैं। इसी बात का एहसास नीना को आखिर में होता है कि वो मर चुकी है। इस मूवी में अपनी खूबसूरती को छोड़कर अपनी आत्मा को महसूस करने के बारे में बताया गया है। अगर हम दूसरों के हिसाब से खूबसूरत बनने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो है वो भी हमसे खो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।